श्री सद्गुरुवे नमः, श्री माधवाय नमः, केशवाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जय श्री राधे। श्री वृत्तासुर के चरित्र के बारे में परीक्षित जी बताते हैं और कहते हैं, परीक्षित जी कितने भक्त हैं जो अंतिम समय में भगवान नारायण को भूले नहीं हैं और कहते हो कैसे बच गया, इसलिए उनके पास नारायण का वश था, इसलिए भगवान कृपा उन पे बरसी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दूसरा कोई होता तो उसका वृत्तासुर बाल भोग ही कर लेता, लेकिन देवराज इंद्र को नारायण कवच याद था। ये नारायण कवच इंद्र ने विश्व रूप से सीखा था, सो मन ही मन इंद्र नारायण कवच का पाठ करने लगा, जिस कारण से उसकी मृत्यु नहीं हुई। और फिर इंद्र उस देवते के पेट का भेदन करके उसके उदर से बाहर आ गए, लेकिन वृत्यासुर की मृत्यु के बाद फिर ब्रह्महत्या दौड़ी, क्योंकि वृत्यासुर भी ब्राह्मण ही था। देवराज इंद्र इस बार ब्रह्महत्या के डर से एक सरोवर में कमलनाल में सूक्ष्म रूप धारण करके नाल की तंतु में जाकर बैठे। अब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले, पहले तो आचार्य हमने दूसरे, अब क्या राजा भी दूसरा बनना पड़ेगा क्या? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, जब तक देवराज इंद्र वापस नहीं आते तब तक तुम राजा नहुस को गद्दी पे बैठा दो। ये जो नहुस है ये चंद्रवंशी राजा है, ये बड़े सुंदर और गुणवान भी हैं। परीक्षित जी, हे गुरुदेव कृपया मुझे बताइए कि जब वृत्यासुर दैत्य योनि में था, जन्मा था, तो उसकी मति इतनी सात्विक कैसे हुई थी, क्यों बनी हुई थी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, मैं आपको वृत्तासुर का पूर्व चरित्र सुनाता हूँ। सूर्यसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु अनेक सुख सुविधाओं, साधन संपत्तियों, दास दासियों से संपन्न थे एवं उनकी बहुत सी सुंदर प्राणियाँ थीं। पृथ्वी का सारा सुख वैभव उनके अधिकार में था। इतना सब होने पर भी वे भीतर से सुखी एवं शांत न थे। सुविधा होना अलग बात होती है और सुख होना अलग बात होती है। श्री राधे आगे, सुविधा होना अलग बात है और सुख होना अलग बात है, धन होना अलग बात है और तृप्त होना अलग बात है। किसी के पास धन हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन वो भीतर से सुखी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। चित्रकेतु के पास भी बहुत सारी संपदा और सुविधाएँ थीं, अनेकों रानियाँ थीं, फिर भी सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई पुत्र ना था। पुत्र के अभाव में सारी सुविधाएं उन्हें बेकार लग रही थी। एक दिन क्या हुआ, शाम और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा के द्वारा आतिथ्य सत्कार किए जाने के बाद ऋषि अंगिरा ने पूछा, राजन तुम्हारे मुँह पर किसी आंतरिक चिंता के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? चित्रकेतु ने कहा, भगवान मुझे पृथ्वी का साम्राज्य ऐश्वर्य और संपत्तियां जिसने के लिए लोकपाल भी ललायित रहते हैं प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख सुभोगों से तनिक भी शांति नहीं मिल रही है। अब आप ही कृपया करें, मुझे संतान देकर मेरा सुख दुख को दूर करें। चित्रकेतु की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सर्व समर्थ अंगिरा ऋषि ने त्वष्टा देवता का योग चरु का निर्माण करके उस देवता का यवन किया और चित्रकेतु से यज्ञ करवाया। यज्ञ का अवशेष प्रसाद चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी कृतद्युति को दिया। महारानी कृतद्युति को गर्भ रह गया। समय पाकर उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राजमहल में आनंदोत्सव मनाया गया। राजकुमार के जन्म पर का समाचार सुनकर सुरसेन देश की प्रजा भी अत्यंत आनंदित हो उठे। संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके पीछे दुख न लगा हो। संसार का कोई ऐसा लाभ नहीं है जिसके पीछे हानि न लगी हो। संसार का ऐसा कोई संयोग नहीं है जिसके पीछे वियोग न जूझ रहा हो, जुड़ा हुआ हो। एकमात्र भगवान ही ऐसे सुख स्वरूप होते हैं जिनको प्राप्त करके सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है। बाकी तो प्रत्येक सुख के पीछे दुख लगा ही रहता है। ये संसार का अटल नियम है कि जिसे से आप अधिक प्रीति करोगे वही आपको आखिर में रुलाएगा। आप यदि चाहो कि जैसा प्रेम भरा व्यवहार पत्नी आज करती हो वैसे ही सदा करती रहे तो यह असंभव है। ऐसे ही पत्नी
यदि पति से चाहे तो ये भी असंभव है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई भाव या गुण सदा एक जैसा नहीं रह सकते। ये संसार का नियम है। संसार का अर्थ होता है सरकना, ये सरक रहा है, पल पल सरक रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। संसार परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। सागर से लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाते हैं। यदि आप लहरों को सदा बनाए रखना चाहो या सदा उनका एक सा प्रभाव चाहो तो यह संभव है। हवा का रुख यदि पूर्व की ओर होगा तो लहरें पूर्व की ओर चलेंगी, और यदि पश्चिम की ओर होगा तो पश्चिम की ओर दौड़ती दिखेंगी। जिस ओर भी हवा का रुख होगा उसी ओर लहरें दौड़ेंगी। ऐसे ही व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके गुण रहेंगे, वैसा ही उसका धर्म रहेगा। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। मनुष्य अपने ही कल्पनाओं से सुखी दुखी होता रहता है। काहू न कोई सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। मनुष्य अपने कर्मों का फल ही सुख दुख के रूप में भोगता है। अतः उन्हें चाहिए कि वह कर्म करने में सावधान और भोगने में प्रसन्न रहे। कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें सुखी दुखी होना न होना यह हमारे हाथ की बात नहीं है। सुख दुख की चोटें जीवन में आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के हृदय में क्षोभ नहीं और मूर्ख को नाच नचाती है। सुख भी आया, दुख भी आया, लाभ भी आया, हानि भी आई। जीवन आया तो मरण भी आया। ज्ञानी वही है, बुद्धिमानी वही है, गुरु भक्त वही है जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा प्रशंसा आदि सब प्रसंगों में संभाव रखता है। क्योंकि संसार में तो ये आते और जाते ही रहते हैं, तो मेहमान की तरह आते और जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। जहाँ बसती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। ऐसा ही हुआ चित्रकूट केतु के राजमहल में। जिस रानी से पुत्र उत्पन्न हुआ उस रानी के प्रति राजा का मोह बढ़ गया। बड़ी उम्र में बेटा हुआ तो बेटे में भी आसक्ति बढ़ गई। अन्य रानियों को महसूस हुआ कि राजा अब बड़ी रानी को ज़्यादा प्रेम करने लगे हैं और हमारे प्रति राजा का प्रेम कम हो गया है। अतः उसमें बड़ी रानी के प्रति बहुत द्वेष उत्पन्न हो गया। द्वेष के कारण उनकी बुद्धि मारी गई और उनके चिंता में क्रूरता छा गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। अतः उन्होंने द्वेषवश नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। सगे संबंधी स्वार्थ के हैं, स्वार्थ का संसार है। तो उस स्वार्थ के लिए रानियों ने राजा की परवाह न की और बड़ी रानी की चिंता न की। यहाँ तक कि उस नन्हे निर्दोष राजकुमार की परवाह न की और उसे जहर देके मार डाला। राजकुमार को मरा हुआ देखकर पूरा राजमहल शोक में डूब गया। राजा चित्रकेतु मूर्छित हो गए। लोग प्रयत्न करके राजा को जो ही होश में लाए त्यों ही हाय हाय मेरा इकलौता बेटा कहकर फिर से बेहोश हो जा रहे थे। महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं। तब वे दोनों वहां पर आए एवं चित्रकेतु को समझाने लगे। राजन, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, तुम उसके कौन थे, फिर अगले जन्म में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा क्या, इस पर जरा विचार तो करो। राजन, हम और तुम हम लोगों के साथ इस नश्वर जगत में जितने भी प्राणी विद्यमान हैं वे सब अपने जन्मों के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि समय भी उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सत्य क्या है, वस्तु सब समय एक सी रहती है। सत्य ही हमेशा एक सैसी रहती है, बाकी संसार के जो भी चीज़ें होती हैं वो नश्वर हैं और नष्ट होती हैं। वयम च त्वम च ये जे जे मे तुल्य कालश्चरा चरा जन्म मृत्योर्यर्थ। इस प्रकार से अंगिरा ऋषि, महर्षि अंगिरा एवं देवर्षि नारद ने अनेक युक्तियों से राजा को समझाया एवं कहा, राजन तुम मोह के वशीभूत न हो, क्योंकि मोह ही सर्व व्याधियों का मूल है। तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना
दुख होता है। अतः आप तुम अपने मन को विषयों से भटकाने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करके परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाओ। उसके बाद देवर्षि ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकृत स्वजनों के समक्ष प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे माता पिता एवं स्वजन तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः तुम अपने मृत शरीर में वापस आ जाओ और शेष आयु अपने स्वजनों के साथ ही रह कर व्यतीत करो। अपने माता पिता के दिए हुए भोगों में भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है, जब तक जिसने जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उससे उस वस्तु से ममता रहती है। जीव नित्य और अहंकार हित है, वह घर में आ करके जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। उसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है, ना ही अप्रिय है, और ना ही कोई अपना है, ना ही कोई पराया है। ये कहकर जीवात्मा पुनः चला गया। जीवात्मा की ये बातें सुनकर सभी स्वजन विस्मित हो उठे एवं उनका रहा सहा मोह भी जाता रहा। राजा चित्रकेतु को बुद्धि में वैराग जानू जाग उठा। उन्होंने सोचा कि मेरा बेटा करके मैं अकारण ही रो रहा था। मेरा महल, मेरी रानियां, मेरा राज तो कहता हूँ, लेकिन ये सब कब तक मेरे साथ रहेंगे? जिस चैतन्य परमात्मा की सत्ता से मेरा कह रहा हूँ, वह परमात्मा ही वास्तव में मेरा है, वही सदा मेरे साथ रहने वाला है। बाकी ये सब तो दो दिन के रैन बसेरे हैं। अंगिरा ऋषि और नारद जी के उपदेश से राजा का मोह भंग हो गया। देवर्षि नारद ने राजा चित्रकेतु को 7 दिन के अनुष्ठान की विधि बताई। चित्रकेतु के सत्कर्मों के फलस्वरूप एवं दर्शन के पुण्य का कारण उनका विवेक जाग उठा। उन्होंने देवर्षि नारद के द्वारा बताई गई विधि से 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान के फलस्वरूप उन्हें विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गए एवं कुछ ही दिनों में भगवत दर्शन भी हो गए। अनेक स्थितियों से राजा ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने चित्रकेतु को आशीर्वाद तो दे दिया ही साथ ही एक दिव्य विमान भी दिया जो गति कर सकता था, सर्वत्र गति कर सकता था। विचरण करते करते राजा एक दिन शिवलोक में गए। वहाँ भगवान शिव पार्वती जी को गोद में बैठा करके ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे कि वास्तविक तत्व आत्मा है, ब्रह्म है, हम सब उसी में रमण करते हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप वही है, लेकिन जो उसे नहीं जानते हैं वे इंद्रियों में, मन में, मिथ्या संसार में रमण करते हैं। हालांकि आदि जो कहते हैं कि बाकी तो अपना है, राधे रमण करने की सत्ता भी तो उसी चैतन्य स्वरूप की है और वही शुद्ध ब्रह्म है। उसी को साक्षी दृष्टा चित्तघन चैतन्य आदि है, वो मेरा है, मैं तेरा हूँ, ये मेरा है, तू मेरा तेरा है आदि प्रत्यक्ष हैं, परोक्ष हैं, परंतु राज आदि पराया है, परंतु अपना जो आत्मस्वरूप है वह अपरोक्ष है। मतलब जो दिखता है वो सत्य नहीं, जो नहीं दिखता वो सत्य है। जानने के लिए आँख, कान आदि इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है प्रभु को देखने के लिए। वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं विदेही है। ऐसा जो जानता है वही मुझे शिव को ठीक से जानता है। इस प्रकार से शिव जी अति गुण ज्ञान का वर्णन कर रहे थे। राजा होने के कारण चित्रकेतु के मन में निर्णय करने की आदत गहरी घूमी तो ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, और ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए
आदत तो सदैव साथ ही रहती है। राजा यदि बुद्धि को ब्रह्म परमात्मा में लगाते हैं तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, परंतु उन्होंने चिरादेव ऐसा नहीं किया था, इसीलिए वे सोचने लगे कि शिव जी होकर भी अपने स्त्री में इतनी आसक्ति रखते हैं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की सुनाते हैं लेकिन स्त्री का आसक्ति नहीं छोड़ पाते हैं। शिव जी को ऐसा रहना ठीक नहीं है, ये सोच करके उन्होंने शिव जी को कुछ भला बुरा सुना दिया। भगवान सांबस सब सदाशिव तो गुणातीत हैं, देशातीत हैं, कालातीत हैं, आकाश स्वरूप चैतन्य पद में स्थित हैं, परंतु राजा के द्वारा किया गया शिव जी का ये अपमान माता पार्वती जी से सहन नहीं हुआ। पार्वती जी ने उनकी यह अदृश्यता देखकर क्रोध में कहा, जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादिक महर्षि, कपिल देव आदि और मुनि मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोक रहे हैं। माता पार्वती ने सोचा, ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उनके मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है, इसीलिए ये ढीठ सर्वदा दंड का घमंड है जिसकी उपासना बड़े बड़े सदपुरुष किया करते हैं। भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों ने ये मूर्ख रहने योग नहीं है। उन्होंने चित्रकेतु को संबोधन करके कहा, हे दुर्मते तुम पापमय असुर योनि में जाओ, ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर सकोगे। जब पार्वती जी ने इस प्रकार से चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उप और गए और फिर सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर आपके शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों को जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रावधान के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, ये जीव अज्ञात से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा एवं सर्वत्र सुख दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाली ना तो अपनी आत्मा है और ना ही कोई अन्य, जो अज्ञानी है वही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानते हैं। ये जगत सत्व रजतम आदि गुणों का स्वाभाविक प्रभाव है, इसमें क्या साप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख, एकमात्र परिणाम परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि में सब में सम और माया आदि से रहित हैं, उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है, सब कुछ उनका राग नहीं है, किसी में राग नहीं है, तब उनमें राग जन्म क्रोध हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, जन्म मरण और अगमन के कारण बनते रहते हैं। मैं श्राप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मेरी जो भी बात अनुचित लगी प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा, जाओ, तुम दैत्य तो बनोगे लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्म का ज्ञान तुम्हें बना रहेगा। ये ही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वह भी श्री भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। इस तरह से प्रभु और आगे चतुर्दिवस कथा भाग दो में क्या भगवान समदर्शी हैं।
हिरणाक्ष वध के पश्चात हिरण्यकश्यप की घोर तपस्या और ब्रह्मा जी से दुर्लभ वरदानों की प्राप्ति। हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद जी को आसुरी विद्यालय में विद्याधन हेतु भेजना। भक्त प्रहलाद के द्वारा हिरण्यकश्यप का उपदेश। भक्त प्रहलाद का अपने शिष्यों द्वारा प्रताड़ित करना। प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश। हिरण्यकश्यप के द्वारा भक्त प्रहलाद को मार डालने का आदेश। भक्त प्रहलाद के द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। गर्भ में ही भक्त प्रहलाद द्वारा श्री नारद मुनि श्री उपदेश सुनाना। भगवान नरसिंह देव और असुर राज हिरण्यकश्यप का वध आगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।